किसान भाइयों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू होलैंड 5510 एक्सएल सीरीज ट्रैक्टर की। आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे इस ट्रैक्टर की पूरी जानकारी और इस ट्रैक्टर में क्या नए फीचर्स कंपनी द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में यह ट्रैक्टर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल खेती किसानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन सिस्टम की। इस ट्रैक्टर में आपको फुली सिंक्रोमाइज्ड गियरबॉक्स मिलता है, जिससे गियर बदलना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर बात करें इसके रेंज की तो हाई लो मीडियम वाला गियरबॉक्स इसके अंदर आपको मिलता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं स्पीड के, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स स्पीड मिलती है, दूसरी 20 फॉरवर्ड 20 रिवर्स और तीसरी 24 फॉरवर्ड और 24 रिवर्स, तीन स्पीड इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि काफ़ी अलग है और बाकी ट्रैक्टरों से इसको अलग बना देती है। अगर इसके क्लच की बात करें तो इसके अंदर आपको डबल क्लच मिलता है, जिससे एक क्लच होता है ट्रैक्टर के लिए और दूसरा क्लच पीटीओ के लिए अलग से दिया जाता है, जिससे पीटीओ के काम और भी आसान हो जाते हैं। अगर इसके स्पीड की बात करें रोड पर तो 33 kmph की स्पीड इसके अंदर मिलती है आगे जाने के लिए, और 38 kmph की स्पीड मिलती है इसके अंदर पीछे आने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी है 50 हॉर्स पावर श्रेणी में। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ब्रेक्स की तो हाइड्रोलिक से ऑपरेट होने वाले ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि ऑयल में डूबे हुए मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक्स है, जो कि अच्छा वर्क करते हैं और सस्पेंडेड पेडल्स के साथ आते हैं। अगर इसके स्टेयरिंग की बात करें तो पावर स्टेयरिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है। किसान भाइयों अब बात करें सबसे मुख्य चीज़ इसके इंजन की, तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 50 हॉर्स पावर का दमदार 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि नॉन टर्बो इंजन है। अगर इसके RPM की बात करें तो 2200 इंजन RPM पर यह काम करता है और इनलाइन पंप के साथ मिलता है। अगर इसके CC की बात करें तो 2931 CC का इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। इस ट्रैक्टर का जो टॉर्क है वो 210 Nm है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर इसके कूलिंग सिस्टम की बात करें तो लिक्विड कूलेंट कूल इंजन मिलता है और उसी के साथ इंटरकूलर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके एयर फिल्टर की बात करें तो ड्राई टाइप का ड्यूल एलिमेंट एयर फिल्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी शानदार है और नए ज़माने का एयर फिल्टर है। किसान भाइयों अब बात करें इसके हाइड्रोलिक सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको 2000 किलो की लिफ्ट वाली हाइड्रोलिक मिल जाती है। उसी के साथ इसके अंदर आपको 2500 किलोग्राम की वजन उठाने वाली हाइड्रोलिक में मिल जाती है, जो कि ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके अंदर आपको जो हाइड्रोलिक है वो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम और ADDC टाइप की मिल। किसान भाइयों अब बात करें इसके पावर टेक ऑफ यानी कि PTO की, तो इसके अंदर आपको 6 स्प्लाइन PTO मिलती है, जिसके अंदर आप 540 स्टैंडर्ड RPM, 540 इकोनमी PTO और उसी के साथ रिवर्स PTO भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार है। और अगर PTO पावर की बात करें तो 46 हॉर्स पावर की PTO इसके अंदर आपको मिलती है, जो कि 50 हॉर्स पावर की श्रेणी में शानदार है। किसान भाइयों अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 2 ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। पहला है 60 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक और दूसरा है 100 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो इस ट्रैक्टर की जो व्हील बेस है वो है 2075 mm का, और उसी के साथ इस ट्रैक्टर की जो लंबाई है यानी कि लेंथ वो है 3875 mm। किसान भाइयों चलिए अब बात करें इसमें आने वाले टायर साइज की, तो इसके अंदर आपको 7/50/16 के टायर मिलते हैं आगे और 16/9/28 के टायर मिल जाते हैं पीछे, जो कि काफ़ी अच्छे और बड़े हैं, जिससे स्लिपेज की समस्या आपको कम हो जाती है। किसान भाइयों अगर इसके ड्राइव टाइप की बात करें तो यह ट्रैक्टर आप 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट्स में ले सकते हैं। किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि SCV वॉल्व, जिससे आप हाइड्रोलिक से चलने वाले उपकरण को चला सकते हैं, जैसे कि पल्टी प्लव, प्रेशर प्लव आदि। उसी के साथ EP साइक्लिक रिडक्शन एक्सल मिलता है पिछला वाला, जिससे भारी उपकरण को आप आसानी से इस ट्रैक्टर के साथ चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो कैनोपी रूफ है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है कंपनी फिटेड ही, जिससे आपको बाहर से लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।